अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश की महिला कर्मचारियों को अब 7 दिन अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। साथ ही सीएम शिवराज ने एक बार फिर महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के संकल्प को दोहराया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, होली के कारण कोई कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन इसके पहले भी हम कुछ चीजें बहनों के कल्याण के लिए कर चुके थे, लेकिन कल मैंने ट्वीट करके कुछ जानकारियां दी थी। एक, मध्य प्रदेश में हमने तय किया है सरकार ने कि हमारी जो बहनें हैं जो शासकीय सेवा में हैं, मातृत्व की जिम्मेदारी भी उनको संभालनी होती है। कई बार महिला होने के कारण कई और व्यस्तताएं उनकी होती है, और इसलिए हमने तय किया है कि अतिरिक्त रूप से 7 दिनों का आकस्मिक अवकाश उनको और दिया जाएगा। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वे इस अवकाश का उपयोग अतिरिक्त रूप से कर सकेंगी। अब ये उनके ऊपर हैं कि वो कब लें। हमने ये भी तय किया कि कक्षा 10 के बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज में बेटियों को वित्तीय साक्षरता हेतु पाठ पढ़ाया जाएगा जो महिला उन्मुखी होगा। बालिकाओं को स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था, जिसमें हैंडलूम कढ़ाई, परंपरागत लोक कलाओं की ट्रेनिंग सम्मिलित होगी। हथकरघा और हस्तशिल्प की जो कारीगर हमारी बहनें हैं, कई जगह बहुत अद्भुत काम कर रही हैं, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम कर रही हैं, उनको NID व NIFT संस्थानों के माध्यम से आधुनिक डिजाइंस और उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वो अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने कौशल को और निखार सके और बेहतर काम कर सके। ITI में अध्ययनरत जो बेटियां हैं उनको डिजिटल और वित्तीय लिटरेसी, अंग्रेजी, कम्युनिकेशन और वर्क रेडनेस का 60 से 80 घंटे का प्रशिक्षण देने का फैसला भी हमने किया है। और राज्य की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत बेटियों को रोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण दिलाने का भी काम प्रारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपनी सभी बहनों को, बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।